इस गांव में किराए पर मिलती है पत्नी, यहां किराए पर मिल जाती है दूसरों की बीवी, बकायदा होता है एग्रीमेंट। शिवपुरी, हिंदुस्तान में कई प्राचीन प्रथाएं हैं जो आज भी चल रही हैं। आज जब महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके अधिकारों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, ऐसे में ये प्रथा सभी को चकचुआ देती है। ऐसी कुप्रथाओं ने देश को शर्मसार ही किया है। किराए पर पत्नी, ये शब्द आपको हैरान कर देंगे, लेकिन सच है कि एक साल के लिए कुछ रकम देकर आप दूसरों की बीवी, बहू या बेटी को किराए पर ले जा सकते हैं। दशकों पुरानी यह कुप्रथा आज भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में चल रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में ये कुप्रथा आज भी चल रही है। धनीचा प्रथा के नाम से इसे जाना जाता है। हर साल इस जिले में लड़कियों को किराए पर देने के लिए मंडी सजती है। इसमें दूर दूर से खरीदार भी आते हैं, जिसे जितने समय के लिए लड़की चाहिए वो उसे ले जा सकता है। कई लोग एक साल के लिए महिला को अपने साथ ले जाता है, एक साल उसे अपनी बीवी के तौर पर रखता है, बाद में उसे वापस छोड़ जाता है। 15,000 से 25,000 है कीमत। लड़कियों को ले जाने के लिए आज भी इस गांव में मंडी लगती है। कोई 15,000 में ले जाता है तो किसी का सौदा 25,000 से ऊपर लगाया जाता है। इस मंडी में दूर दूर से खरीदार लड़कियों या महिलाओं को लेने आते हैं। चाल ढाल से लेकर खूबसूरती भी देखते हैं लोग। यहाँ आने वाले लोग महिलाओं और लड़कियों की चाल ढाल और खूबसूरती को भी देखकर सौदा करते हैं। इसके बाद एक साल के लिए उसकी शादी कराकर विदाई दी जाती है। अब प्रशासन के खौफ के कारण ये दबे छुपे ही चलती है। हालांकि लड़कियों के परिजन अपनी खुशी से साल भर के लिए दूसरे पुरुषों को किराए पर दे देते हैं। इसमें ये कुंवारी लड़कियां भी हो सकती है या किसी की पत्नी भी हो सकती है। ये कुप्रथा ही है जिसे ये लोग आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। बकायदा होता है एक साल का एग्रीमेंट। इन महिलाओं को एक साल के लिए देने से पहले एक साल का एग्रीमेंट भी होता है। इसके लिए 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की स्टाम्प पर दोनों पक्ष साइन करते हैं। एग्रीमेंट की शर्तें लिखी जाती है, इसके बाद ही अपने घर की लड़कियों को सौंपा जाता है। एक साल के एग्रीमेंट पर जाने वाली महिलाओं के यदि कोई पुरुष ज्यादा समय भी रखना चाहता है तो उसे अतिरिक्त पैसा देकर एग्रीमेंट बढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि किराए पर दी जाने वाली लड़की से शादी करना जरूरी होता है, इसलिए ले जाते हैं किराए पर। किसी को माँ की सेवा करवाना होती है, कोई शादी का नाटक करने के लिए किराए पर ले जाता है। किसी की शादी नहीं हुई है तो कुछ समय उसके साथ बिता सकता है। मध्य प्रदेश राज्य में लिंगानुपात तेजी से बढ़ रहा है और शिवपुरी इलाके में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। खराब लिंगानुपात होने के कारण इस कुप्रथा को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ इसे दधीच प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस कुप्रथा को बढ़ावा देने में महिलाएं भी बराबरी की जिम्मेदार हैं। कई बार पुलिस के सामने भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आईं, लेकिन महिलाएं ही इन अन्यायों के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहती, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी फैली है ये कुप्रथा। 2006 में गुजरात के भरूच में नेत्रगंज तालुका में एक मामला उजागर हुआ था। अता प्रजापति नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी लक्ष्मी को मेहसाना में एक पटेल के साथ रहने के लिए छोड़ गया था। उसे 8,000 रुपए महीना किराया मिल रहा था। इसमें भी एजेंट और बिचौलियों ने गरीब परिवार को बढ़ावा देने का काम किया। वे पैसा का लालच देकर महिलाओं को बेचने के काम में दलाली करने लगे। गुजरात के ही मेहसाना, पाटन, राजकोट और गांधीनगर जैसे जिलों में महिलाओं की कमी ने एजेंटों और गरीब परिवारों को पैसे कमाने का एक जरिया दे दिया। बताते हैं कि इस काम में दलाल 65-70 हजार रुपए तक कमाते हैं और गरीब आदिवासी परिवारों को उनकी बेटियों के लिए 15-20 हजार देते हैं। आदिवासी युवा महिलाओं को 500 रुपए से लेकर 60 हजार रुपए तक में किराए पर उपलब्ध कराते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि युवा महिला का परिवार कितना गरीब है और उसे पैसों की कितनी जरूरत है। एक दलाल के मुताबिक 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे हैं। भेड़ बकरियां समझी जाती है बेटियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में